हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे कमाल के प्रो टिप्स देने वाला हूँ ना भाई साहब, जिसे अगर आप अपने गेम प्ले में फॉलो करोगे ना तो आपको कोई बंदा किल नहीं कर सकता और इजीली आप पूरी की पूरी स्क्वाड को उड़ा सकते हो अकेले दम पे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आपको अपनी स्क्वाड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने अकेले दम पे पूरी की पूरी स्क्वाड को खत्म कर सकते हो। ऐसे प्रो टिप्स शायद ही आपको किसी ने दिए होंगे, तो भाई इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप या मिस मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, ज़्यादा लंबा नहीं है यार, 4-5 मिनट का वीडियो है, तो पूरा एंड तक देख लो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना तो यार वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट है यार 5000 पूरे कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो यार पूरे कर देना। और अगर आप एक नए इस वीडियो को देख रहे हो ना तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको ऐसी कमाल की पबजी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाती है। दोस्तों आज की जो हमारी सबसे पहली टिप्स है ना, ये सारे के सारे बिल्डिंग में वर्क करेगी। जी हाँ दोस्तों, हर एक मैप में वर्क करने वाली है, तो ये ऑलराउंडर टिप्स आप बोल सकते हो और ये बहुत बेहतरीन है। इस टिप्स में है क्या, जैसे कि मान लीजिए किसी भी बिल्डिंग के छत के ऊपर बंदे हैं, अंदर बंदे हैं, आपको नहीं पता कितने बंदे हैं, कहां कहां पे पोजीशन लेके बैठे हैं, उनका एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं पता, तो दोस्तों मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिससे आप नीचे से ही उनका सारा का सारा लोकेशन पता लगा सकते हो, वो कितने हैं, कहां कहां बैठे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको साइड में आके बैठ जाना है या फिर प्रॉन हो जाना है, उसके बाद आपको अपना इंटरनेट बंद कर देना है, फिर भागते हुए सीढ़ियों से जाके उनके पास देख लेना है कहां कहां बंदे हैं, पूरा का पूरा लोकेशन देख लो, अपने माइंड में बैठा लो, उसके बाद वहीं पे आप अपना इंटरनेट ऑन कर दो। इंटरनेट ऑन करते ही आप यहां पे नीचे आ जाओगे जहां पे आप पहले बैठे हुए थे। यहां पे आप जैसा कि देख सकते हैं, मतलब कि आप ऊपर गए ही नहीं और उनका पूरा का पूरा पोजीशन का पता लगा लिए। अब आपको करना क्या है, सीढ़ियों से भागते हुए जाके उनके ऊपर अटैक कर देना है, क्योंकि आपको उनका पोजीशन पता चल गया, आपको यह भी पता चल गया कि ऊपर कितने बंदे हैं, या फिर आप नेट कर सकते हो जहां पे बैठे हैं वहां पे एग्जैक्ट पोजीशन पे आप उन्हें नेट कर सकते हो। मतलब कि भाई एक कमाल के ये प्रोफेशनल टिप्स है, आप इसे हर जगह फॉलो कर सकते हो, हर एक मैच में कोई भी जो है मैप हो उसमें भी ये वर्क करने वाला है। तो इस टिप्स के लिए यार लाइक तो बनता है ना यार, ज्यादा नहीं सिर्फ 5000 लाइक पूरे कर देना। दोस्तों दूसरी टिप्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लैंडिंग में इतना ज्यादा समय लगा देते हैं कि नीचे उतरते ही बंदे हमें किल कर देते, क्योंकि वो हमसे पहले उतर जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आप फास्ट लैंडिंग कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा 400-500 मीटर बचे वैसे ही आप जंप कर जाओ, जंप करने के बाद आपको दोस्तों तिरछा उतरना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नीचे की साइड देखना है, उसके बाद जो आपका मतलब कि जहाँ से कंट्रोल करते हो ना उसे लेफ्ट या फिर राइट करो, सीधा मत रखो। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं मैं इस समय राइट कर रहा हूँ, फिर मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, ऐसे मतलब करके आपको उतरना है, इससे बहुत ही फास्ट आप उतरोगे। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं मैं सारे बंदों से पहले उतर के आपको दिखाऊंगा और बंदों को किल भी कर दूंगा, जो मेरे बाद उतरेंगे उन्हें भी मैं किल करके आपको दिखा दूंगा, ईजिली आप उतर सकते हो। यहाँ पे आप देख लीजिए कितना फास्ट मैंने लैंड किया है। अब यहाँ पे लैंड करते ही सबसे पहले हम एक गन ले लेते हैं, देखते हैं इस घर में हमें कोई एक गन मिल जाए फटाक से, क्योंकि यहाँ पे और भी जो बंदे आएंगे उन्हें हमें किल करना है। तो यहाँ पे एक बंदा लैंड कर चुका है, उसके पैरों की साउंड आने लगी है, तो फटाक से मैं एक गन पा गया, मुझे गन मिल गई, तो चलिए फटाक से इस बंदे को हम किल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये है वो बंदा, फटाफट वो मार मार भाई, अरे चला गया, रिलोड कर रिलोड। तो यहाँ पे ये बंदे को मैं किल करता हूँ, देखते हैं कोशिश करते हैं, अभी तक इसे गन नहीं मिला क्योंकि मैं इससे पहले लैंड किया। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं फाइनली ये बंदा किल हो गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी बंदों को किल कर सकते हो, मतलब कि पहले ही लैंड कर सकते हो, बहुत ही फास्ट तरीके से लैंड कर सकते हो। जब भी उतरिए ना भाई राइट या लेफ्ट स्वाइप करके उतरो, मतलब कि एकदम सीधा उतरोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और दोस्तों आज का जो हमारा तीसरा और लास्ट टिक है ना, ट्रिक नहीं टिप्स बोल सकते हो, ये क्या होता है कि जैसे कि किसी घर में बंदे हैं, हम क्या करते हैं नेट हाथ में लेते हैं, फेंक देते हैं, हम सोचते हैं कि भाई वो मर जाएगा। यहाँ पे जैसे कि इस समय मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे नेट हाथ में लिया और फटाक से मैंने फेंक दिया। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, उन्हें इतना ज़्यादा समय मिल जाता है ना कि वो बंदे वहाँ से पोजिशन चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर ऊपर हैं तो जंप करके नीचे आ सकते हैं, तो इसमें क्या है समय बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों आपको कुक करना है, नेट को कुक करना है, जैसे ही 1 या 2 सेकंड बजे वैसे फेंकना है। यहाँ पे आप देख लीजिए अब इसमें क्या होगा, जैसे ही वो नेट गिरेगा ना वैसे ही वो बंदे किल हो जाएंगे, उन्हें मूवमेंट का समय तक नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है यार, बहुत लोग जो है नेट हाथ में लेते ही फेंक देते हैं, तो यार बहुत गलत है, क्योंकि इससे उनको जो है पोजिशन चेंज करने का बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है, वो ईजिली इधर उधर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 3 कमाल की टिप्स, आपको कौन सी वाली टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, क्योंकि यार ये जानना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, तो प्लीज़ बता देना। और इस वीडियो का यार 5000 लाइक पूरे कर देना, 5000 लाइक का टारगेट है, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ यार, हर बार 5000 तो पूरे कर देना। और दोस्तों अगर
अगर आप एक नए व्यूअर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि चैनल पे आपको ऐसे ही कमाल कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखने को मिल जाती है। थैंक यू दोस्तों।